की भक्ति तो भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले जितने जन्म प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संघ में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है। अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है, मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे हजार गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं? तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर बने। हमारे यहाँ सेवा पूजा की करवा गई। करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहां पर आज भी,
पहले दीवाल पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था, करवा ने अपना तीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा और कितना सातित्वता में बल होगा जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास कांस लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास, कुछ कांस आपको मिल जाती है। उससे एक एक कांस से, मात्र एक घास एक कांस से उसने उस मगर को बांध दिया, मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए, इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत, करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है, प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते, तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा, मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो, यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही, क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठा कर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े यमराज के पास चले गए, यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है, करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं, मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ, आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला, एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से देना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए, ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है, ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया, जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि
पानी पीने के लिए ही गया था। जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला रहा है, करवा चौथ का पति पत्नी का आचमन करा। एक करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग, उसके सात पुत्र थे, एक पुत्री थी, भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था, भूख के भाई साथ में खाना खाते थे, एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना, फिर